Morning to all. This is Amazing Science Class 4, Chapter 3. Today we will discuss about the remaining part of this chapter. The heading is Terrestrial Animal. Before starting, I want all the students will open their book and during the explanation. So let we start the paragraph. Terrestrial Animal. Animals that live on the land are called terrestrial animal. वे जानवर जो धरती पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय जानवर. हॉर्सेज, लॉयन, कैमल्स, फॉक्सेज एक्सेट्रा आर टेरेस्ट्रियल एनिमल. घोड़ा, लॉयन, ये जो होते हैं जितने भी जानवर होते हैं जो धरती पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लेग्स टू वॉक, रन, होप. जो स्थलीय जानवर होते हैं उनके पास पैर होते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए. दे हैव लंग्स टू ब्रेथ एयर. देयर सेंस ऑर्गेन्स एंड नर्वस सिस्टम आर वेल डेवलप्ड टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. उनके पास सांस लेने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और उनके सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है टू हेल्प देम, ये काम करने के लिए, यानी कि उन्हें ब्रीथिंग करने के लिए और देखने के लिए, ये सब सेंस ऑर्गेन्स होते हैं. और उनके चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग वो उसे डेवलप कर लेते हैं, और उनमें ये सब डेवलप होता है पहले से ही, ताकि वो अच्छे से चारों तरफ के माहौल में सर्वाइव कर सकें. डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल डेवलप डिफरेंट फिजिकल फीचर्स टू दे हैव कैन सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग. विभिन्न प्रकार के जो स्थलीय जानवर होते हैं उनके पास अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स होते हैं, भौतिक फीचर्स होते हैं, भौतिक लक्षण होते हैं. सो दे दैट दे कैन सर्वाइव, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें उनके चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग. स्नैक्स एंड सम अदर एनिमल्स लिव इन सैंडी एंड द रॉकी एरियाज. सांप और दूसरे प्रकार के जो जानवर होते हैं वो रहते हैं बालू वाली जगह पर या फिर चट्टानों पर, चट्टानी इलाकों पर. देयर स्किल्स डू नॉट गेट ईजिली डैमेज लाइक स्किन एंड फर. उनके जो स्किल्स होते हैं वो जल्दी से डैमेज नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं जैसे कि स्किन और फर. सो स्केल्स प्रोटेक्ट दीज एनिमल बॉडीज. और जो स्किल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सुरक्षित करते हैं, उनकी बॉडी को सुरक्षित करते हैं. कैमल्स लिव इन हॉट डेजर्ट. कैमल जो होते हैं ऊँट, वो गर्म रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द स्टैंड. उनके पास लंबे पैर होते हैं जिससे कि उनके जो बॉडी होती है वो गर्म बालू से खुद को बचा सकें, बॉडी को दूर रखते हैं वो. देयर फीट हैव थिक सोल्स सो दैट दे कैन वॉक ऑन सैंड. उनके जो फीट होते हैं उनमें मोटे सॉल होते हैं जिससे कि वे वॉक कर सकें, टहल सकें सैंड पर, गरम बालू पर. दे हैव थिक स्किन एंड डू नॉट स्वेट. उनकी जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, वो बहुत मोटी होती है जिससे कि उनको पसीना नहीं आता. दे हैव स्पेशल एबिलिटी टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, एबिलिटी होती, क्षमता होती है ऐसी पानी पीने की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं. दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. वे रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं बिना पानी के कई दिनों तक. बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन देयर हैबिटेट द डेजर्ट. क्योंकि वो जहाँ रहते हैं, जिस डेजर्ट में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है. पोलर बेयर लिव इन द कोल्ड पोलर रीजन. पोलर बियर होते हैं जो ध्रुवों पर भालू रहते हैं. ध्रुवीय भालू जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. दे हैव थिक फर. उनकी फर जो होती है बहुत मोटी होती है. दैट कीप्स दैम वार्म, ताकि वो उन्हें गर्म रख सके. दे ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन टू प्रोवाइड वार्म्थ. उनके पास मोटी लेयर होती है, मोटी चमड़ी होती है, उसमें फैट होता है, वसा होता है उनके स्किन के अंदर, जिससे कि उनको गर्मी मिल सके, प्रोवाइड होती है गर्मी उनको. देयर ईयर्स आर ऑल्सो स्मॉल एंड राउंड सो दैट वाटर डज नॉट एंटर देम. उनके जो कान होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिससे कि पानी उनके कानों में ना जा सके. ज़ेब्रा, हॉर्स, सीप एक्सेट्रा लिव इन ओपन रॉकी इन्वायरमेंट. ज़ेब्रा जो होता है, घोड़ा और भेड़ वगैरह आदि जानवर जो रहते हैं वो रॉकी इन्वायरमेंट में रहते हैं, खुले इन्वायरमेंट रहते हैं. दे हैव हुब्स. उनके खुर होते हैं. हुब्स आर स्पेशल एडेप्टेड फीट दैट अलाउ देम टू वॉक एंड रन अलॉट ऑन रफ सरफेस. जो खुर होते हैं उनके अंदर, उसमें बहुत स्पेशल
विशेष प्रकार का एडप्टेशन होता है, ठीक है, जिससे कि वो उन्हें भागने में और कूदने में, भागने दौड़ने में उनकी मदद करता है रफ ऊबड़ खाबड़े रस्तों पर, सरफेस पर। एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। वे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें जलीय जानवर कहते हैं, एक्वाटिक मीन्स जलीय। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर फिश, ऑक्टोपस, श्रिम्प्स, व्हेल्स। कुछ इस प्रकार के जानवर जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है फिश, ऑक्टोपस, श्रिम्प्स, व्हेल्स वगैरह हैं, वो सब एक्वाटिक एनिमल होते हैं। फिश ब्रेथ एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। फिश जो होते हैं वो पानी में से सांस लेते हैं, जो पानी में घुली ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेते हैं। डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स बट कम टू वाटर सरफेस टू ब्रेथ। डॉल्फिन्स और व्हेल्स के पास गिल्स नहीं होती, लेकिन वो पानी पर सरफेस पे आके ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव फिन्स एंड टेल टू स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ पैडल्स लाइक लिम्स कॉल्ड फ्लिपर्स। वे ये जानवर जो होते हैं उनके पास फिन्स होती हैं, पानी में तैरने वाले पंख होते हैं और पूंछ होती है जिससे कि वो तैर सकें पानी में, और उसमें हेल्प करती है उनकी पैडल लाइक लिम्स। उनकी जो लिम्स होती हैं, जो उनके अंग होते हैं जैसे हाथ पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैडल के तो रहते हैं, उन्हें फ्लिपर्स कहा जाता है, जिससे कि वो आसानी से क्या कर सकें, तैर सकें। देखिए ये फिन्स बनी हुई है, इसमें टेल्स हैं, है ना, ये व्हेल है देखिए। सो एरियल्स एनिमल्स, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल्स एनिमल। वे जानवर जो बहुत ज़्यादा देर तक हवा में रहते हैं उन्हें एरियल्स एनिमल्स कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर बर्ड्स, बैट्स एंड सम इंसेक्ट्स। कुछ इसमें से जो उदाहरण है, चिड़िया हुई, चमगादड़, कुछ कीड़े मकौड़े। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, उनके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर लाइट एंड होलोज, उनके बोन्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं और होलोज होते हैं, यानी कि खोखले होते हैं। देयर बॉडी शेप इज सच दैट दे कैन कट थ्रो द एयर ईजिली। उनकी जो बॉडी शेप होती है, बॉडी की जो आकार होता है, वो इस तरह का होता है कि जैसे कि पानी हवा को आसानी से काट के दूसरी तरफ उड़ सकें, ठीक है। दे कैन कट थ्रो द एयर ईजिली, ताकि आसानी से कट कर सकें हवा को। बोथ द टूज एंड क्लॉज आर मॉडिफाइड टू हेल्प दैम पैच ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। उनके जो टूज होते हैं, पैर और उनके पंजे, वो इस तरह से बने होते हैं कि जिससे कि आसानी से ब्रांचेस को, जो भी पेड़ों की शाखाएं हैं, उनको आसानी से पकड़ सकें, उस पर बैठ सकें। एम्फीबियंस, वी नो दैट एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, यानी कि जो धरती पर रह सकें और पानी में रह सकें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनिमल्स लिविंग बोथ, जानवर जो रहते हैं पानी पर भी, पानी पर वो धरती पर और पानी में, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, यानी उभयचर कहते हैं, जो दोनों जगह रह सकें। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग्स, टोड्स, सलामेंडर्स, न्यूट, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। कुछ इसमें से जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फ्रॉग्स, मेंढक, टोड्स, सलामेंडर, न्यूट्स और क्रोकोडाइल्स। द लार्वा फॉर्म ऑफ फ्रॉग कॉल्ड टोड वोल्स, जो लार्वा होते हैं फ्रॉग के, वो उनकी जो पहली फॉर्म्स होती है उन्हें कहते हैं टेड पोल्स। हैव गिल्स टू ब्रेथ इन वाटर, यानी कि जो मेढक का लार्वा होता है, मेढक का छोटा सा बच्चा होता है, उसे टेडपोल कहते हैं, और उनके अंदर गिल्स पाई जाती हैं सांस लेने के लिए। द एडल्ट फॉर्म हैव लंग्स टू ब्रेथ वाइल दे आर ऑन लैंड, जो एडल्ट, जो बड़े हो जाते हैं मेढक, उनके अंदर लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, वाइल दे आर ऑन लैंड, यानी कि जो धरती पर रहते हैं, वो लोग धरती पर रह जाते हैं तो वो लोग ब्रेथ करते हैं किससे, लंग्स से। दे ऑल्सो हैव अ मॉइस्ट स्किन टू ब्रेथ इन वाटर, उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है, यानी कि नमीदार, नमी होती है उनकी, थोड़ी थोड़ी चिपचिपी या गीली गीली सी उनकी स्किन होती है, जिससे कि वो आसानी से ब्रेथ कर सकें वाटर में। दीज एनिमल ले देयर एग इन वाटर, ये जानवर अपने एग को वाटर में देते हैं, पानी में देते हैं। दे कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर विद वेब फीट, उनके पास वेब फीट होते हैं तैरने के लिए। देखिए मेढक की वेब फीट होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वेब फीट्स हैं, इनके वेब फीट्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से पैर में पानी में तैर सकें। आरबियल एनिमल्स, वे जानवर जो पेड़ पे रहते हैं। दीज एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, वे जानवर जो ज़्यादातर समय अपना पेड़ों की शाखाओं पर बिताते हैं, उन्हें हम आरबियल एनिमल्स कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर मंकी, एप्स, स्क्वायरल, ट्री लिजर्ड एक्सेट्रा। कुछ इस तरह के उदाहरण जो हैं वो मंकी हैं, चिंपैंजीज हैं, स्क्वायरल, गिलहरी वगैरह,
और गिरगिटान और भी जो जानवर हैं इस तरह के, जो ज़्यादातर समय अपना पेड़ों पर बिताते हैं, उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उनके जो आर्म्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड लेंग्स लेग्स टू लिम क्लाइंब ट्रीज, और उनके पैर जो होते हैं चढ़ने के लिए बने होते हैं पेड़ों पर। अ मंकी यूज़ इट्स टेल टू ग्रिप ब्रांचेस, मंकी अपनी पूंछ का इस्तेमाल ब्रांच को पकड़ने के लिए करता है। एंड हैव हैंग डाउन फॉर स्विंग, और उनसे वो लटक जाता है और उनसे हवा में तैरता है। स्क्वायरल्स एंड लिजर्ड हैव शार्प क्लॉज टू क्लाइंब द ट्रीज, गिलहरी और छपकली टाइप की जो जानवर होते हैं पेड़ों पर चढ़ने वाले, उनके शार्प क्लॉज होते हैं, उनके पंजे जो होते हैं बहुत पहने होते हैं पेड़ों पर चढ़ने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग फिनिश हियर द पैराग्राफ, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड्स। सो ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।